आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो हल्ला बोल में जोरदार बहस। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार के जातीय जनगणना पर कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार की जनता को 50 साल से पता हैं। नीतीश कुमार ने वाहवाही के लिए आधा पका खाना परोस दिया। इस तरीके के तमाम बड़े बयान हैं जो जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहे हैं। आज तक के शो हल्ला बोल में क्या कही पूरी बात उन्होंने आप खुद सुनी। आज जो आंकड़े आपके सामने आए हैं ये बिहार की जनता को पिछले 50 साल से पता है कि बिहार की कुल हिंदू आबादी का 85% ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी है और 15% अनारक्षित वर्ग संख्या। ये पिछले 50 साल से हर बिहारी को पता है। राहुल गांधी जो इस देश की सत्ता में 60 साल चला चुके, बिहार की सत्ता में 1990 तक थे, मुझे आश्चर्य लगता है कि उनको पता ही नहीं था कि 85% की आबादी हिंदू आबादी की आबादी बिहार की ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी एससी की। नंबर एक, तो इसलिए खाना पूरा बिना पकाए हुए अध कच्चा खाना आज नीतीश जी ने परोस दिया। वाहवाही बटोर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की खुली बंदर बांट हुई, ये किसको नहीं पता था कि बिहार में ये संख्या है। आपने दूसरा काम क्या किया, जैसे अभी सुशील मोदी जी कह रहे थे कि 27 बिंदु थे, आपने एक बिंदु को जाति वाइज आपने गणना कर दी। पहले बात की जातीय जनगणना नहीं है, ये जातीय समूहों का सर्वे है।